ट्रिग्नोमेट्री इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एसएससी सीजीएल और रेलवे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली 2017 में जब एसएससी सीजीएल के लिए एग्जाम के अनाउंसमेंट की घोषणा हो चुकी है, हमें नए सिरे से इस एग्जाम के लिए भिड़ जाना चाहिए। इसमें पोस्ट बहुत कुछ हुए हैं, कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो हमारे पास समय है, इतने क्वेश्चंस बनाए जाने हैं कि दिक्कत होने का तो सवाल नहीं है। इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, एग्जाम में बहुत टेढ़ा ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आप समझे हैं तो तुरंत आंसर दे देंगे। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे एसएससी सीजीएल के आए हुए क्वेश्चंस हैं। किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए, अगर आसानी से आप बना लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए ना। आई बेसिक्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी मैं करूंगा, जितना जरूरी है करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा प्लस कॉसेक कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट पूछा है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए जो नेचर है ना, इसको बनाऊंगा, पहले समझिए। जो नेचर है ना, कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का। और ये तीन हमें पता रहते हैं, बाकी तीन को जस्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री के लिए हमें सेक थीटा चाहिए, सेक 45, तो हम कॉस 45 निकालते हैं ना। सेक के लिए कॉस 45 निकालते हैं। कॉस 45 क्या होता है? 1/√2। तो ये जो 1/√2 होगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल √2 होगा, तो सेक 45 क्या होगा? √2। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब 2/1 का 1/2, 3/4 का 4/3, लाइक दैट। तो कॉसेक 45 चाहिए, तो हम साइन 45 निकाल लेते हैं। और साइन 45 क्या होता है आपको पता है? 1/√2 साइन 45। तो कॉसेक 45 क्या हुआ? रिवर्स √2/1, यानी √2। दोनों को एड कर दिया, 2√2। आंसर यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। बोले समझ में आया कि नहीं? 2√2 बहुत आसान था या नहीं? ठीक है, समझ गए। अब ये सब वैल्यूज क्या क्या होते हैं, मैंने एक स्पेशल एपिसोड में खूब बढ़िया से समझा दिया है, और जो भी वो एपिसोड देखेंगे उन्हें सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे। इसलिए डिटेल उसमें चर्चा न करके कि उसे आप उस एपिसोड में देख लें, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी चर्चा मैं जरूर करूंगा। तो आप ये समझ गए, आगे बढ़े। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। मेरी हमेशा कोशिश होगी कि जो लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, एडवांस मैथ नहीं पढ़े हैं उन्हें एडवांस मैथ से डर लगता है, उसके अंतर्गत जो भी सेक्शन नहीं पढ़े उन्हें डर लगता है, उस डर को मैं भगा दूं। और आराम से भागेगा डर, कैसे नहीं भागेगा। सेकेंड क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा बाय सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सुनिए, थ्री रिलेशंस आपने देखे, सॉल्व करता हूं। थ्री रिलेशंस, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक आपने ये देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा रिलेशन मैंने उस एपिसोड में चर्चा की थी, आपको याद भी होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो सेट है, थ्री सेट्स, सेक और टेन बताता है कि ये रिलेशन लिया जाना चाहिए। और टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलेंगे कि नहीं? टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं?
इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ कि नहीं, और नीचे में क्या है सेक थीटा प्लस वन, ये कैंसिल हुआ कि नहीं, ये कैंसिल हुआ कि नहीं, यानी कि ऊपर जो है टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कि sec square theta minus 1, यानी sec theta plus 1 into sec theta minus 1, और नीचे क्या है, नीचे है sec theta plus 1, और minus यहां sec theta है, आप मुझे बताइए ये cancel हुआ कि नहीं, और ये क्या बचा, sec theta minus 1 और minus sec theta cancel, this is minus 1, answer, minus 1 is the answer, बोले ठीक है। उस पर्टिकुलर ईयर के एग्जाम में 2014 में ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चंस थे, उसे मैं करूंगा, और बाकी क्वेश्चंस यही थे। ये बनाने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं, ये समझ गए। मैं इसे इसलिए रहने दे रहा हूं कि तुरंत एक और सवाल, एक और क्वेश्चन यहीं पर है, थर्ड नंबर क्या है, ठीक ऐसा ही है ना, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा। बताइए एक ही एग्जाम में ये क्वेश्चन दोनों ही आए और दोनों के नेचर एक जैसे हैं। आप देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखें, ठीक उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखेंगे नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और इन टर्म्स ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिखें कि नहीं, कॉसेक थीटा प्लस वन इंटू cosec थीटा माइनस वन लिखे कि नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा, उसके जगह पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, और उसके जगह पर इसे लिखें कि नहीं, cosec थीटा प्लस वन इंटू cosec थीटा, देखिए cosec थीटा माइनस वन, और नीचे क्या है वही वन प्लस cosec थीटा या cosec cosec थीटा प्लस वन, एक ही बात, ये कैंसिल हुआ कि नहीं, और शुरू में क्या है वन प्लस, अब आप मुझे बताइए वन प्लस और यहां पर क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस वन, ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू क्या आया कॉसेक थीटा या कॉसेक ए, जो भी है ए है यहां पर तो ए बोली, ए है तो ए बोली, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बोली ए बोली ए बोली, तो cosec a भी आंसर हुआ कि नहीं। बोलिए अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं। आइए ये 3 क्वेश्चंस थे, बहुत आसान लगे होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे, और ये टायर 1 के 2014 के आए हुए क्वेश्चंस हैं। फोर्थ, इज sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब आप सोचिए पहले कि क्या करें, आपने अलजेब्रा पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कुछ होता है, हम क्या जानते हैं अलजेब्रा के किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करें। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के संदर्भ में हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये मील का पत्थर है, बहुत दूर तक ये मायने रखता है और यही इशारा करता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्यूब, और हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ या नहीं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ है या नहीं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए थोड़ा देखिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखेंगे क्यों, ऐसा लिखने पर क्या होता है, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हुआ कि नहीं, ए प्लस बी क्यू हुआ कि नहीं, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ए प्लस बी हुआ कि नहीं, ये तो वन होता है, ये भी वन होता है, तो वन का क्यूब माइनस 3 इंटू
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं बताइए, ये हुआ कि नहीं, ये आंसर हुआ कि नहीं, यानी इसका आंसर क्या हुआ, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए ये समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए इफ टेन थीटा प्लस कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू टू, थीटा लाइन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, पॉजिटिव एंगल 0 टू 90 डिग्री, देन व्हाट इज थीटा। हम लोग इसको दो तरह से देखते हैं, फर्स्ट कि कॉट थीटा जो है 1 बाई टेन थीटा होता है, तो 10 में एक हमको इक्वेशन आ जाएगा, देखिए 10 थीटा है ना, और कॉट थीटा का मतलब 1 बाई टेन थीटा, जरा देखिए तो 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 2, इसे सॉल्व कीजिए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा होगा ना, इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा उधर लेंगे। आप जरा देखिए ये हम सीधा लिख सकते हैं कि नहीं, टेन थीटा थीटा माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्यों, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा प्लस वन जीरो, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी टेन थीटा माइनस वन जीरो, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन, वन मन मन का मतलब टेन 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये सारा कैलकुलेशन आपके मन में हो जाएगा, जैसे आप यहां देखेंगे नजर आएगा टेन थीटा माइनस वन होल स्क्वायर मीन्स वन मीन्स 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 45 डिग्री, जब समझ में आएगा तो तुरंत हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हुआ जब हम लोग टेन के रूप में लिया, ठीक, ये समझ में आ गया होगा। जो दूसरा इसका तरीका है, सेकेंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड जो है हम लोग इसको साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, तो साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये होता है, और ये कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू टू है। अब देखिए इधर इधर एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हुआ, साइन टू थीटा हुआ, यानी 90 यानी थीटा 45, आंसर ही हो गया मन में, हाँ कैसे हुआ बताता हूं, इसे सॉल्व करेंगे तो आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये वन होता है और ये देखिए टू, तो ये जो टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और इधर क्या है वन, ये होता है साइन टू थीटा, ये मैं एक स्पेशल एपिसोड में बता चुका हूं इनके आपस का रिलेशन, और 1 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, तो 2 थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो थीटा 45 डिग्री हुआ या नहीं, हुआ या नहीं, दिस इज आंसर। बोलिए ट्रिग्नोमेट्री के इस एपिसोड में आपको मजा आया कि नहीं, ये सेकंड मेथड था हमारा, मजा आया कि नहीं। ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं अलग अलग सेक्शन नहीं करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं एक साथ बात करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा एक्सप्लेन करूंगा, इतने क्वेश्चंस बनाए जाने हैं कि दिक्कत होने का तो सवाल नहीं है, मैं आपके साथ हूं, चलिए ओके ऑल द बेस्ट।